हम सभी लोग सबसे पहले और सबसे अंत में एक भारतीय हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ही एकमात्र भारतीय है जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में काल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगा अगर आप देखोगे उसमें जो अशोक चक्र है उस अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ही जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के बारे में बताता हूँ। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। उनके पुस्तकालय, उनके लाइब्रेरी के बारे में बताता हूँ। बाबा साहेब जी की निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी ज्यादा उनकी किताबें थी और वो विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विद्यालय में टेक्स्ट बुक के तौर पर यूज की जाती है। कोलंबिया विद्यालय में 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और पहला नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुल 64 विषयों में मास्टरी थी। वो हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, मराठी, पार्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार भी थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल और केवल 2 वर्ष 3 महीनों में पूरी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थक के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतर था। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष है। जी हाँ, मैंने सही कहा, एकमात्र महापुरुष है। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया परंतु वो अब तक सफल नहीं हो सके हैं। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे ज्यादा सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई है वो भी हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, महात्मा गांधी जी का भी यही मानना था कि बाबा साहेब 500 ग्रेजुएट्स तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान है। सत्याग्रह की बात करें, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहेब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। दुनिया के सबसे ज्यादा स्टैच्यूज भी बाबा साहेब की ही है। उनकी जयंती भी सिर्फ भारत में नहीं तो पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड विद्यालय की बात करता हूँ। ऑक्सफोर्ड विद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वे के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानववादी विश्व मानव की सूची बनाई गई जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का था। वर्तमान समय में जिस डीमोनेटाइजेशन की चर्चा चारों तरफ हो रही है उसके बारे में भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया है कि अगर किसी देश में काला धन और जाली नोटों को समाप्त करना हो तो हर 10 वर्ष के बाद देश की करेंसी का डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए। बाबा साहेब का पहला स्टैच्यू उनके जीवित रहते हुए 1950 में बनाया गया था और ये स्टैच्यू हमारे महाराष्ट्र कोल्हापुर में है। दोस्तों, मैंने तो सिर्फ एक महासागर, एक समुन्दर में से कुछ बूंदे निकाल के आपको दिखाई। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ इस मिशन में मेरे भारत को एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत बनाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।